सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, आम की कहानी। आम क्या होता है हम सबको पता है और हम सबको बहुत पसंद आता है। आम क्या है? फलों का राजा। मैंगो फलों का राजा है। तो आज हम इसी के बारे में एक चित्र कथा के माध्यम से एक आम की कहानी पढ़ेंगे। आम समर सीजन का फ्रूट है, सबको पता है। गर्मी के मौसम में अप्रैल में जून में आम बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं। जब आम कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है और जब पक जाता है तो येलो कलर का हो जाता है, यानी कच्चा आम हरे रंग का और पका हुआ आम पीले रंग का, और ये बहुत ही रसीला और मीठा फ्रूट होता है। तो इसी की कहानी आज हम एक चित्रकथा के माध्यम से पढ़ेंगे। चित्रकथा में पहली पिक्चर जो हम देख सकते हैं, जो पहला चित्र है, इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ दिख रहा है और पेड़ के ऊपर एक आम लटकता हुआ दिख रहा है। और ये आम कौन देख रहा है? एक लड़की को आम दिखाई दिया। पेड़ पे लटका हुआ आम किसको दिखाई दिया? ये लड़की ने देखा पहले आम। और यहाँ पर एक कौवे की भी नज़र है आम के ऊपर। तो अभी आगे क्या होता है आगे के पिक्चर में, चित्रकथा में हम देखेंगे। आम देख करके लड़की बहुत खुश हो गई, क्योंकि आम तो सबको पसंद होता है और आम दिख जाए तो सबका तोड़ने का भी मन होता है। तो अभी लड़की ने देखा जब तक उसका दोस्त आ गया, और लड़की ने बोला, अपने दोस्त से बोला कि मुझे वो आम चाहिए, क्योंकि आम तो बहुत ऊपर लटका हुआ है तो कैसे तोड़ेंगे। इसके लिए तरकीब लगाई गई और लड़के ने एक गुलेल तैयार किया। गुलेल हम सब बचपन में तो बहुत ही खेलते हैं ना बना करके। तो लड़के ने एक गुलेल तैयार किया, या फिर इसके पास पहले से ही था। अभी इसके हाथ में हमें एक गुलेल दिखाई दे रहा है। तो लड़के ने निशाना लगाया आम के ऊपर, और क्या हुआ, आम पर निशाना लगा और आम टूट गया। लेकिन ये क्या हुआ, बीच में कौवा आ गया और आम को अपनी चोंच में दबा करके उड़ने ही लगा था कि वो एक मधुमक्खी के छत्ते के साथ जाके टकरा गया। और क्या हुआ, आम तो उसकी चोंच से छूट करके गिर पड़ा नीचे। अभी क्या होगा, और मधुमक्खियां तो कौवे के पीछे ही पड़ गईं, और आम कहाँ जा करके गिरा, चिड़िया के घोंसले में आकर के आम गिरा। और यहाँ पर गिलहरियाँ देख रही थी, पेड़ पर गिलहरियाँ देख रही थी। अभी क्या होता है कि गिलहरी की नज़र पड़ी आम पर और उसने घोंसले से आम ले लिया। लेकिन ये क्या, ये आम तो गिलहरी के मुंह से भी छूट गया। अब क्या होता है आगे देखते, अरे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है। आम गिर करके जा रहा है, कहाँ जा करके गिरेगा, ये कहाँ गिरेगा, ये जो चीज़ कुछ अजीब सी दिख रही है ना, आम आकर के यहाँ गिरा। अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है कि अरे आम तो यहाँ पर एक आदमी है, एक अंकल जी हैं जो सो रहे हैं, उनकी पगड़ी में आकर के गिरा। और जब पगड़ी में गिरा तो आम किसके हाथ आया, इस लड़की ने आम को उठा लिया। और सब देखते रह गए, चिड़िया गिलहरी कौवा, किसी को भी आम नहीं मिला। और लड़के ने जो लड़की की मदद करी आम तोड़ने में, उसके लिए उसने अपने गुलेल को धन्यवाद दिया। तो ये गुलेल भी बड़ी काम की चीज़ है ना। अभी हम आ जाते हैं, यहाँ तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमको बताने हैं। क्या है, लिखो कहानी में पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया था। तो कहानी में आम किसको दिखा था सबसे पहले, तो सबसे पहले तो लड़की आई, फिर इसके बाद कौन आया, कौवा आया, फिर गुलेल लेकर के लड़का आया, फिर कौवा किससे टकराया, छत्ते से टकराया, फिर उसके बाद जो घोंसला था उसमें चिड़िया के या कौवा के बच्चे थे, इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद लास्ट में सोता हुआ आदमी आया इसमें चित्रकथा में। अभी हमको बताना है कौन कहाँ। तो ये पिक्चर किस चीज़ की है, ये तो गुलेल है। गुलेल कहाँ है, लड़के के हाथ में।
फिर इसके बाद क्या है, घोंसला। घोंसला कहाँ पर है, किसके ऊपर है, घोंसला किसके ऊपर है, पेड़ के ऊपर है। और चिड़िया के या कौवा के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं, घोंसले में हैं। और गिलहरी, गिलहरी कहाँ है, पेड़ के ऊपर। और आम कहाँ आकर के गिरा, आदमी के सर पर, सबसे आखिर में। तो यहाँ पर हमारा ये मज़ेदार पाठ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।